अतुल देखो एक डेड बॉडी आ रहा है, देखो 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 ध्यान से देखो, डेड बॉडी सीढ़ी भर चुका है। यहाँ से नीचे सीढ़ी उतरते थे, यहाँ घाट पर जाते थे, पूरा भर चुका है। अरे एक हाथ से तो उधर से गांव में आया है। ये रहा एसपीजी मिशन स्कूल बॉयज स्कूल का नजारा। पानी से लबालब भरा हुआ मैदान, तालाब बन चुका है पूरी तरह से। देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी बहता हुआ मिशन कंपाउंड कॉलोनी की ओर आगे। और मैं हूँ फिलहाल ड्यूटी से वापस घर जा रहा हूँ नाइट शिफ्ट में, और नज़ारा इस तरह से है। देखिए पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। अब इसको पार करूँगा कैसे, चलिए कुछ उपाय यहीं से लगाया जाए। यह है मिशन कंपाउंड, तो ब्लॉक का आनंद लेते रहिए। ये सारे चीज़ें मेरे ही चैनल पर नज़र आएंगी। जितना भी यूनिक ब्लॉक कंटेंट है वो आपको मेरे चैनल पर नज़र आएगा। देखिए पानी इधर से आ रहा है और पूरा नदी की तरह बहता हुआ नज़र, जबकि ये रास्ता है। चलिए साइड हो लेंगे वरना मेरा जूता और दोनों भीग जाएगा। अंकल आते हुए, बिल्कुल नदी बन गया है। देखिए घर पहुंचते ही पता चला कि पीछे खेत में पूरा पानी भर चुका है। आइए दिखाएं आपको नज़ारा। ये बाउंड्री क्रॉस किया हमने, देखिए पूरा लबालब पानी। सारा धान रोपा गया था, बहुत सारा धान बह भी गया होगा। ये देखिए लबालब पानी बिल्कुल नदी की तरफ बहता हुआ हमारे घर के पीछे से। हमारा बाउंड्री बहुत ही डीप बाउंड्री है पीछे की ओर। और ये देखिए ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा चाईबासा में, बहुत ही रेयरली ऐसा घटना होता है। तो हम लोग निकल पड़े हैं चाईबासा के कुछ गलियों की ओर, ताकि आपको दिखा सकें कि इतना मूसलाधार वर्षा में चाईबासा का हाल क्या हो गया है। तो हम लोग सिद्धेश्वर मंदिर से अभी जाएंगे गांधी टोला की ओर। तो कैमरामैन बीमार है लेकिन आज आ गया शूट के लिए, उसी का हाथ में फिलहाल कैमरा है यानी कि मेरा मोबाइल है। पीछे रामू चाचा भी है बारिश का नज़ारा लेते हुए, उनका भी ज़रूरत पड़ेगा कहीं कहीं पर, ब्लॉग बनाने में हेल्प मिल जाएगा। और ये सब कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप आराम से घर में बैठ के पूरा चाईबासा का नज़ारा देख सकते हैं। कुछ नज़ारों को ज्ञात कर आप जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ खतरा है। फिलहाल इतना मूसलाधार पानी हो रहा है चारों तरफ, कहीं कहीं पेड़ डाल गिर चुका है, लाइट रात से आया नहीं है। तो ब्लॉक पे बने रही है, बहुत ही धमाकेदार ब्लॉक होने वाला आज का भी, खासकर चाईबासा वासियों के लिए। इतना मूसलाधार पानी में देखिए पूरा चारों तरफ बाढ़ जैसा स्थिति है। फिलहाल आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, डाली तो गिरा हुआ है, ये लग रहा अभी हाल फिलहाल में गिरा है, क्योंकि सुबह जब आए थे तो गिरा हुआ नहीं था। उसको काटनी छटनी का काम शुरू कर दिया ताकि आवागमन तो रुके नहीं। तो ये है बावन चुमरे पथ का नज़ारा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग पर एक बार फिर। बहुत ही मूसलाधार पानी में फिलहाल हम पहुंच गए हैं गांधी टोला के पास। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ का सीन कैसा है।
तो फिलहाल आ गए पोस्ट ऑफिस चौक की तरफ और घंटाघर की ओर निकल रहे हैं। जरा यहाँ का भी सीन देख ले क्या हाल है। गाड़ियाँ वहाँ घुसाएंगे नहीं, काफ़ी रिस्क हो गया था गांधी टोला में, क्योंकि कहाँ गड्ढा ये पता नहीं चल रहा था, कहीं कहीं गड्ढा उभर गया है। वहाँ तो सालों भर का आप जानते हैं पानी हमेशा बहता है। और आगे का लगता है स्थिति ठीक नहीं है। फिलहाल देखिए गाड़ी का स्थिति क्या है, बिल्कुल फॉग जैसा नज़र आ रहा, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा आगे रास्ता, गाड़ी कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो फिलहाल हम लोग घंटाघर के पास हैं। चलिए आगे टुंगरी जाते हुए उस रोड को देखते हैं कि पानी कितना भरा हुआ। इस रोड से आपके लिए आना बिल्कुल ख़तरनाक होगा, क्योंकि फोर व्हीलर भी नहीं जा पा रहा है। आगे देखिए गाड़ियों का थोड़ा सा जाम लग गया है, क्योंकि आगे जाते हुए पता चल रहा है कि एक्चुअली गहराई कितनी है। क्या अतुल, अतुल का तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी आ गया। देखिए गाड़ी वापस घूम करके आ रहा है, आगे पानी का जमावड़ा लग गया है। तो यहाँ से गाड़ी पार करना बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि ये पता नहीं कि गड्ढा कितना है। आगे देखिए वो साइकिल वाला सोच में पड़ गया कि आगे बढ़े या नहीं बढ़े। राजस्थान भवन का सामने का नज़ारा है और ये है जुबली पार्क चावासा। पानी पूरा ऊपर कमर तक भरा हुआ है। वहाँ सामने आप देख सकते हैं साइकिल वाला फंसा हुआ बीच में, उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसको पार कैसे करें। पब्लिक भी दर्शक मात्र होकर देख रहे हैं, पार करना मुश्किल है। देखिए साइकिल वाले को देखिए, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। देखिए ये साइकिल वाला फाइनली पार कर गया है, काफ़ी रिस्क में पार हुआ है, आप बिल्कुल पार ना हो। दूसरे रास्ते को चूज़ करें अगर आपको पोस्ट ऑफिस चौक तक आना हो। देखिए सारे पब्लिक दर्शक मात्र होकर देख रहे हैं, कुछ उपाय नहीं है उधर जाने का, जिसे भी जाना है घूम के जाना पड़ेगा। स्कूटी वाले भैया वापस आ जाएं तो ठीक है, क्योंकि उनका साइलेंसर में पानी घुसने की संभावना है। कुछ इंसान बेवकूफ होते हैं, खतरा देखते हुए भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। तो दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा नज़ारा आपको मेरे ब्लॉग पर ही नज़र आएगा। घर बैठे आपको सुविधा मिल रहा है कि कहाँ पे क्या स्थिति है। अतुल आगे आगे जाते हुए गाड़ी हमने यहाँ खड़ा कर रखी है और इस वक्त बज रहे 9। रामू चाचा गाड़ी में ही बैठे हैं, उनका तबीयत थोड़ा ख़राब है लेकिन फिर भी आपके लिए निकले हैं, क्योंकि एक खास जगह पर उनको वीडियो शूट करना है। जेवियर स्कूल के पास देखिए पेड़ गिरा हुआ है। देखिए पाता हाथू वाला पुलिया कि उस ओर का नज़ारा। ओहो काफ़ी तिरछा चल रहा है हवा। चले कोशिश करते थोड़ा डीप तरीके से दिखाएं आपको। ये है रोरो नदी का हाल, नहाने बिल्कुल ना जाए। काफ़ी हवा भी चलता हुआ, बहाव काफ़ी तेज, पानी धीरे धीरे इसका लेवल भी और बढ़ता हुआ है। और ये मंजर है यहाँ का, पब्लिक यहाँ ऊपर से इस उभरते हुए पानी का नज़ारा लेते हुए। हेलो कैसा लग रहा तुम? देखिए ओ भाई साहब इतना खतरा, अगर तैरने भी आता हो तो ना जाए नदी नहाने के लिए। खतरे के निशान से ऊपर पानी बहता हुआ, यहाँ पे लोग इस बाढ़ का एंजॉय कर रहे हैं। भारी बारिश और यहाँ ना आए ऐसा हो सकता है। श्री करनी माता मंदिर का है, चलिए नज़ारा देखते हैं कैसा बारिश में।
चाचा को छाता पकड़ा दिया है ताकि बेहतरीन तरीके से आपको दिखा सकें। उतरने से डर रहे हैं क्योंकि इनका भी तबीयत थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी आए हैं आपके लिए। अतुल आगे बढ़ता हुआ बहाव, देखिए बहाव, देखिए ऊपर तक पानी है पूरा, सीढ़ी डूब चुका है। ओ भाई साहब, ये है रोरो नदी का हाल। इस घाट पे लोग नहाते थे, पूरा डूब चुका है। यहाँ नहाना कठिन है, बिल्कुल रिस्क ना ले, अगर तैरना भी आता हो तो रिस्क ना ले। चलिए थोड़ा सामने से दिखाते, ये जो फुहारा है तुरंत ही वापस आ जाएंगे ऊपर की ओर, क्योंकि पानी तेज़ी से बढ़ रहा है। अतुल दूर में ही रहना, स्लिप कर सकता है। देखिए सीढ़ी, सीढ़ी भर चुका है। यहाँ से नीचे सीढ़ी उतरते थे या घाट पर जाते थे, पूरा भर चुका है, पूरी तरह से बाढ़ का स्थिति है यहाँ पर। देखिए पानी का थपेड़ा कैसा चल रहा है। ये है रोरो नदी का हाल। चाचा से पूछ लेते हैं, नदी में बहुत नहाते थे ना, आज नहाइएगा? आज नहा के दिखाएगा तो मान जाएंगे। बिल्कुल रिस्क ना ले, देखिए यहाँ पर ऐसा स्थिति है। एक कदम इधर जाइएगा नीचे और आप देख सकते हैं वहाँ पे कितना बहाव से पानी बह रहा है। डूबने का तो सोचना ही नहीं है, सीधा परलोक भी निकल जाइएगा। डैम का पानी भी छोड़ दिया गया होगा जिसके कारण ये तट पूरी तरह से डूब चुका है। डस्ट काफी है पानी में, क्या तू वहाँ नहाता था, तैरता था ना अतुल? पूरा तैरता था यहाँ पे। अब दम नहीं है, अब दम नहीं है। पानी ऐसा देख के तो हालत खराब हो जाएगा। देखिए थपेड़ा, देखिए सदर थाना पास खंभा गिरा है। तो बस स्टैंड के आगे हम लोग ओवरब्रिज आ गए हैं, सोचा आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखा ले। देखिए आसपास के खेत का नजारा कैसा है, जगह क्या बोलते हैं रामू चाचा? देखिए पानी भरा हुआ खेत में पूरी तरह से, जो भी धान रोपा हुआ था सब भर गया है। आता रोड में देखिए खेत में पानी किस तरह से भरा हुआ है, सारा फसल डूब चुका है। सारा फसल डूब चुका है, भर गया था सारा मेहनत पानी में। किसान बोल रहे थे अकाल पड़ेगा अकाल पड़ेगा, लेकिन इसका उलट हो गया, बाढ़ से फसल बर्बाद हो गया। देखिए इससे पहले जो देखा ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अब मजा यहाँ पे है और असली खेल तो यहाँ पर मौजूद है। तो चैनल को दबा के लाइक और कमेंट कीजिए ये आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भरी जानकारी आपको दे रहे हैं पूरा चाईबासा के आसपास का। और
चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हम लोग। रिस्क में चल रहे हैं, अपना गाड़ी को भी रिस्क में लिए हुए हैं, और मेरा कैमरामैन बीमार चल रहा है, इसीलिए बीच बीच में हम ही कैमरा पकड़ ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर खरकाई नदी का पानी अतुल यहाँ डरता हुआ भींगेगा, भींगने तो नहीं कुछ होगा, चलो इधर कुछ नहीं है, भींगेगा जूता। और यहाँ पे बहुत ही तेज बहाव चल रहा है, मेरे को डर लग रहा है, पकड़ के रहो, यहाँ पे तेज बहाव है, बस पहले गड्ढा उड्ढा नहीं होना चाहिए। फिलहाल देखिए घुटनों तक पानी नहीं है यहाँ पर, और वो पुलिया के बगल में हम लोग देखे, लोधा पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। ओहो भाई साहब, केचुआ सब निकल रहा है खेत का, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा है, चारों तरफ खेत पूरा पानी भरा हुआ, और मेरे जूता देखे पूरा भींग चुका है यहाँ तक। लेकिन अगला नज़ारा देख के आपका हालत खराब हो जाएगा। तो हवा पानी के थपड़े के साथ हम लोग आ चुके हैं, अतुल का हालत खराब हो गया छाता संभालते हुए। और ये देखिए वो रहा देखिए कुजू पुल, और ये पानी खरकाई नदी, इतना थपेड़ा हवा चल रहा है कि आपको दिखा नहीं पा रहे ठीक से, काफ़ी तेज हवा है, संभाल ही नहीं पा रहे ना कैमरा ना छाता। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, सबको ये शेयर करें और बताएं कि बाहर निकलना फिलहाल खतरा है। देखिए ऊपर से आवागमन जारी है, लेकिन नीचे का जो पुलिया है पूरी तरह से डूब चुका है, पूरी तरह से। देखिए नज़ारा यहाँ का, बाढ़ आ चुका है यहाँ पर, एक महीने पहले इस पुल को रिपेयर किया गया था ग्रामीणों द्वारा, अब लगता है कि सारा पानी से जो भी रिपेयर किया गया था वो बह चुका है, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। कृपया इस पुल को पार करने का कोशिश ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आप यहाँ पर जमाव देख सकते हैं कितना खतरा है, एक और पूरी तरह से लहर बहता हुआ, दूसरी छोर में आप पुलिया के ऊपर से देख सकते हैं, कुछ लोग इसका आनंद उठा रहे हैं इस बाढ़ का, लेकिन इस बाढ़ से खेलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। देखिए चारों तरफ बाढ़ की स्थिति, कुछ मछुआर हैं जो तालाब में जाल लगा करके मछली पकड़ रहे हैं, और हमने गाड़ी को उधर ही खड़ा कर लिया है, खतरा को भागते हुए उधर ही खड़ा कर लिया है। रामू चाचा वहीं पर है, बाहर नहीं निकले क्योंकि हमारे पास दो ही छाता है। हम लोग के लिए कैमरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्या? कमेंट जरूर करें कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। फिलहाल जो थपेड़ा मार रहा है, देखो मेरा छाता मेरा आँख में लग जाएगा, जो थपेड़ा मार रहा है हम लोग को उधर खेल रहा है। भाई साहब आज नहीं बचेंगे हम लोग। देखिए कुजू नदी का जो खेत है उसमें पानी पूरी तरह से भर चुका है, और यहाँ मछुआर जो है फिलहाल मछली अपना जाल बिछाते हुए कितना रिस्क ले रहे हैं पापी पेट के लिए, और इसी पापी पेट के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। दबा के वीडियो को लाइक करें। फिलहाल देखिए पानी उसके गर्दन तक है, पर पूरी जोर शोर से मेहनत किए जा रहे हैं। दूर में भी एक मछुआर जो है जाल बांधते हुए, ये खतरे का निशान से ऊपर चल रहा है ये पानी। ओ भाई साहब, कुजू नदी जो कि पूरा तरह से डूब, खरकाई नदी पूरी तरह से डूब गया है, छोटा वाला पुलिया पानी भी कट रहा है, माफ कीजिएगा मिट्टी भी कट गया है किनारे का, और देखिए क्या स्थिति है, बहुत ही खतरा। अतुल बहुत मजा आ रहा है, अभी तबीयत खराब होना बाकी है। और देखिए दूर में लोधा पहाड़, बहुत ही
धुंधला सा नजर आता हुआ, पर नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। आप इस वीडियो के जरिए आनंद लीजिए, घर में ही आप सेफ है। थोड़ा सा जूम करते हैं जहाँ पर काफ़ी खतरा बहाव दिख रहा है, उसका अंदाज़ा आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए क्या लगता है, यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। तो कब तक ये पानी बरसते रहेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि अगर आप करीब गए, पूरा हवा का थपेड़ा हमें मारते हुए, अगर आप पानी के करीब गए तो आपका जान का नुकसान होना तय है। अतुल देखो एक डेड बॉडी आ रहा है, देखो 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 ध्यान से देखो, डेड बॉडी। डेड बॉडी? हाँ दिखा? नहीं डेड बॉडी नहीं दिखेगा, तो देख सकते हैं डेड बॉडी आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि डेड बॉडी आपका ही है। अगर घर में शौचालय हो तो वहीं बैठ के आनंद कर ले, क्योंकि अगर यहाँ धोने आइएगा तो जिंदगी से हाथ धो बैठिएगा, बिल्कुल नहीं आना है पास में। मिट्टी चट रहा है, जल्दी से हम लोग अपने गाड़ी पर चलते हैं, और थपेड़ा भी काफ़ी तेज हो गया है, जिस रास्ता से आए हैं वहाँ भी पानी भर रहा है, तो जल्दी पार हो जाएंगे। देखिए पानी का गड़गड़ाहट से आपको पता चल रहा होगा, पता नहीं मोबाइल में आ रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ही शोर है यहाँ पर। अतुल अपने आप को बचाओ, चलो अब गाड़ी की ओर चलते हैं। देखिए ये आखिरी नज़ारा एक बार देख लीजिए, और जिस रास्ते से आए हैं वो रास्ता में पानी बहना शुरू हो गया, इसीलिए अब हम लोग पार हो जाएंगे, नहीं तो बाद में हम लोग पार होने के लायक नहीं रहेंगे। और दूर में हमारी गाड़ी खड़ी है, वापस जाते हैं वहाँ पर। तो वापसी का एक पड़ाव हमने पार कर लिया है क्या सफलतापूर्वक, अब एक वो बचा है वहाँ, आप देख रहे हैं आदमी लोग कैसे पार हो रहे हैं, तो इसी आड़ में हम लोग भी पार हो जाते हैं जल्दी से। लोग यहाँ मछली मारते हुए, इस पानी में बहकर आ रहा मछली, अतुल पूरा एक्साइटेड। चलो 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 अतुल चलो, चलिए भाई साहब लोगों के पीछे पीछे हम लोग भी चलते हैं, इससे पहले कि ये पानी कमर के ऊपर चला जाए, हम लोग अपना सेफ जगह में चले जाते हैं। सट के आओ, सट के आओ, जल्दी आओ, तुम पीछे मत रहो, जल्दी आओ, डरो मत, सीधा आओ। अभी पानी देखे घुटनों तक है यहाँ पे फिलहाल, जल्दी कमर तक आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, देखिए कैसा नज़ारा है, और ये सब कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप आराम से घर बैठे सेफ रहें। छोटा पुलिया के यहाँ पर पेड़ गिर गया है, बाढ़ आ चुका है इधर में रेलवे के बगल। तो आज के लिए इतना काफी होगा, लोग से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि चाईबासा का हाल क्या हो गया है, पानी पानी से दो दिनों से काफ़ी मूसलाधार पानी हो रही है, अभी तक हो ही रही है, पानी अभी उफान पर और आने वाला आने बचा हुआ है। तो ब्लॉग पे आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, लेकिन जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग वीडियो बनाने के लिए, आपको इस ब्लॉग के जरिए पता चल गया होगा
कहीं कहीं पर हमने रिस्क लिया है खुद का भी और गाड़ी को भी। खासकर गानी टोला के पास गाड़ी को ले जाना महंगा साबित हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हम तो है हैवी ड्राइवर। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।